पर्वराज प्रदूषण दस लक्षण पर दिगंबर जैन पंचायत समिति की ओर से संपूर्ण जैन समाज एवं जैनेतर समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी समाज के लिए मैं इस भव्य अवसर पर बहुत ही हृदय की गहराइयों से सभी को शुभकामनाएं देता हूं और सभी से किसी प्रकार की गलती हुई हो तो क्षमा भी मांगता हूं। और आप सब से ये विनती है, इस पावन पर्युषण में आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर धर्म वृद्धि करें, ऐसी कामना के साथ सभी को जय जय। पूरे देशवासियों को पर्युषण पर्व की बधाई। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ललितपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, हम आपको बता दें, इसकी जानकारी को बताया जा रहा है कि ललितपुर में इंटरमीडिएट के 872 छात्रों की मार्कशीट में अंक प्रकाशित नहीं होने का मामला सामने आया। लगातार एक माह से छात्र अपना भविष्य अंधकार में देखते हुए हो रहे थे परेशान और आक्रोशित, जिसको लेकर आज भी उनका आक्रोश कम होता दिखाई नहीं दिया और वार्ता विफल देखकर आक्रोशित हुए छात्रों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया और कॉलेज परिसर के अंदर तालाबंदी शुरू कर दी। छात्रों को उग्र देखकर पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन इतनी बर्बरतापूर्ण तरीके से छात्रों को पीटना, ये कहां का न्याय है? इस सवाल का अभी जवाब बाकी है। तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन की रिपोर्ट। हम बता दें आपको इस पूरे मामले की जानकारी को पूर्ण रूप से विस्तार में। ये मामला ललितपुर शहर के राजकीय इंटर कॉलेज का है, जहां एक माह से राजकीय इंटर कॉलेज के छात्रों द्वारा बोर्ड परीक्षाओं की अंक तालिका में अंक नहीं दर्शाए गए थे, जिसके विरोध में छात्र लगातार एक माह से धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए थे। अभी बीते दिनों ही शहर के घंटाघर चौराहे पर इन छात्रों ने अपना विरोध जताते हुए कई घंटों जाम लगा दिया। बड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन द्वारा इन्हें समझाया गया तो उसमें निर्णय हुआ कि बहुत जल्द इस समस्या का बैठकर निदान निकाला जाएगा। उसी के तहत आज राजकीय इंटर कॉलेज में स्कूल प्रबंधन और जिले की संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक चल रही थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि इन छात्रों के फिर से एग्जाम कराए जाएंगे, जिससे छात्र आक्रोशित हो गए और उनके मन में सवाल गूंजने लगा। कोरोना काल के चलते वह पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, ऐसे में इतनी जल्दी एग्जाम में वह पास कैसे होंगे? इसी को लेकर छात्र आक्रोशित हो गए और हंगामा काटना शुरू कर दिया एवं कॉलेज में चल रही शिक्षा विभाग के अधिकारी और प्रशासन के बीच चल रही वार्ता के दौरान आक्रोशित छात्रों ने स्कूल के अंदर तालाबंदी और अभद्रता प्रशासन को करना पड़ा। लाठीचार्ज, जिसमें कई छात्र हुए घायल, तो कुछ छात्रों को किया गया गिरफ्तार और उनके खिलाफ मुकदमा लिखे जाने की तैयारी शुरू कर इस मामले को लेकर जिले के आला अधिकारी कोई भी बयान जारी करने से कतरा रहे हैं। लेकिन इन लाइव तस्वीरों में छात्रों को किस तरह पुलिसकर्मी द्वारा आग से जलते डंडे से कितनी बर्बरता से पीटा जा रहा है, जिसको देखकर हम और आपकी रूह कांप जाएगी। तो यहाँ के इस घटनाक्रम में छात्रों के आक्रोशित के साथ साथ पुलिस की बर्बरता भी देखने को मिली है। इस पूरे मामले को लेकर घायल हुए एक छात्र और पूर्व कांग्रेस नगर अध्यक्ष हरि बाबू शर्मा का क्या कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। तो हम लोग शाम 3 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, 8:30 बजे इन्होंने लाठीचार्ज करवा दिया, बाहर से फोर्स पटक दी। सर, बहुत से बच्चों को नुकसान हुआ, कुछ अभी अस्पताल में चले हुए हैं, हमारे दोस्त अभी गेट घर पे अभी अंदर भी है, कुछ ग्लास में छेक दिया, पीछे है, कुछ यहाँ से भाग गए। कौन 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 के साथ हो रही थी मीटिंग, किस किस के साथ? एमडीएम साहब थे और बहुत से लोग थे, बड़े थे और 25-30 थे और लखनऊ जिला के प्रत्येक स्कूल के प्रिंसिपल थे, उपाध्यक्ष भी थे। उसके बाद क्या निष्कर्ष क्या निकला, क्यों कर दिया? पहले हम लोगों को आश्वासन देते आ रहे थे कि आप लोगों के एग्जाम कराए, मतलब बिना एग्जाम दिए नंबर आएंगे, फिर एग्जाम भी नहीं दिए। सर, हाई स्कूल इंटर के छात्रों के पूर्व में अंक तालिकाओं में नंबर नहीं बढ़ने के कारण छात्र बराबर एक मनी से आंदोलनरत थे। आज छात्रों के लिए और छात्र नेताओं के लिए जिला प्रशासन ने वार्ता के लिए यहाँ पर बुलाया। वार्ता के दौरान छात्रों से जो वार्ता हुई, उसमें प्रशासन ने छात्रों की बात नहीं मानी और छात्रों को गेट पर ताला लगाकर छोटे छोटे छात्रों के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की, छात्रों को बहुत मारा। तो क्या वार्ता के लिए बुलाया गया था? आज छात्रों के जो अंक तालिका में नंबर नहीं बढ़े थे, छात्र परेशान थे, छात्रों के एडमिशन नहीं हो रहे थे और छात्रों के इसलिए आज ने वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन वार्ता
विफल होने के कारण, उनकी बात है, उनकी जो मांग है उनकी ना मानने के कारण आज SDM पुलिस प्रशासन सबने मिलकर राजकीय विद्यालय गेट का ताला लगाकर छात्रों के साथ मारपीट की। जलती लकड़ियों छात्रों के लिए मारा, छात्र अपनी जान बचाकर जलियांवाला कांड की तरह छात्र खून कांड का छात्र भागे और जो छात्रों को पकड़ा गया कोतवाली के अंदर बंद कर दिया गया है। आज कितने छात्रों को बंद कर दिया गया? कम से कम 15-20 छात्र हमारे बंद हैं और बाकी और 3-4 घायल हैं। इन छात्रों की कांग्रेस पार्टी अन्य दल लड़ाई लड़ने के तैयार हैं। जब तक उनके खिलाफ न्याय नहीं होगा कांग्रेस कमेटी आंदोलन करेगी। और यहाँ पर एक और एक यहाँ पर एक इंस्पेक्टर है आलोक सक्सेना, बहुत बाईजाद है, वो जनप्रतिनिधियों से आज उसके बात करने की बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था, उसके खिलाफ भी कांग्रेस कमेटी आंदोलन कल करेगी। हम लोगों को लगा अभी हम लोगों के ऊपर भी करना था क्या? नहीं सर, ये आप लोगों को अगर ये इच्छा हो तो ये भी पूरी कर लें, 3-4 लोग ही हम लोग। कहाँ लगा बच्चों को? कंप्लेंट नहीं, हम तो सर पूछ रहे हैं SDM आदेश कितने दिए, देखा है आए हो उनका पक्ष लेने नहीं सर, पक्ष थोड़ी ना ले रहे सर, हम आपके पक्ष पूछ रहे हैं कि सर आप हमें यही यही कैमरा चमका दिए, हो गया ताला बंद कर दिए, तब तुम लोग नहीं दिखाई दिया? नहीं तो वो भी दिखाई दिया, वो भी दिखाई दिया हम लोगों ने भी, जो तो गुंडे ही तुम्ही लोग करवा रहे हो, आप कह सकते हैं जो आरोप लगाना होगा वो आप कुछ भी आरोप लगा सकते हैं सर। हम लोग क्यों गुंडागिरी करेंगे? नहीं सर, क्यों उस्ताएंगे? क्यों उस्ताएंगे सर? मजा ले रहे हो? नहीं सर, पत्रकारिता नहीं हुई सर। ये नहीं दिखा कि इन लोगों को ताला मार दिए? सर वही तो पूछ रहे हैं, मामला क्या हो गया वही तो पूछ रहा है। कुछ चलिए कुछ नहीं पता लुका नहीं कर नहीं, अगर उन्होंने ताला लगा दिया तो बताइए ना, अगर बच्चों ने किया कैसे, क्या हुआ? Bell icon. Never miss an update.